ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2003 में टोटल चार मार्क्स का क्वेश्चन है दो पार्ट्स हैं दो दो नंबर हर पार्ट के मैं एक बार आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ कंसिडर द फॉलोइंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर हाइपोथेटिकल प्रोसेसर ए बी एंड सी आर एट बिट रजिस्टर्स द मीनिंग ऑफ वेरियस इंस्ट्रक्शन आर शोन एज कमेंट्स यू आर गिवन आस्किंग ल वैल्यू ऑफ ए इज ए नॉट द वैल्यू ऑफ रजिस्टर बी आफ्टर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल बी यानी कि ए की इनिशियल वैल्यू हमें ए नॉट गिवन है और बी की क्या वैल्यू होगी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद ये हमें बताना है तो कोड ये रहा पहली लाइन है मूव बी कॉमा सी और दूसरी लाइन है मूव सी कॉमा एट मतलब की आपको पता है जो सेकेंड ऑपरेंट होता है वो है सोर्स और पहला है डेस्टिनेशन यानी कि डाटा यहां से यहां जाएगा मतलब कि जो आपके बी और सी रजिस्टर्स हैं उनमें वैल्यूज आ जाएंगी जीरो और एट मतलब ये दोनों लाइंस ने उन रजिस्टर्स को इनिशियलाइज कर दिया तो थर्ड लाइन है कंपेयर सी कॉमा जीरो यानी कि सी में जो भी डेटा है उसे जीरो के साथ कंपेयर करो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से क्या होगा इफ सी कंटेन्स नॉन जीरो डेटा अगर सी में कोई नॉन जीरो नंबर हो तो जो जीरो फ्लैग है उसमें जीरो रहेगा अगर सी में जीरो होता तो जीरो फ्लैग में वन आ जाएगा जीरो फ्लैग क्या बता रहा है कि जो आपने पिछली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की उसमें उसमें जो भी रजिस्टर इन्वॉल्व था वहां जीरो है या नहीं तो अगर जीरो नहीं है सी में तब क्या होगा जीरो नहीं है मींस जीरो फ्लैग ऑफ होगा यानी कि जीरो अगर सी में जीरो था तो जीरो फ्लैग ऑन होगा यानी कि वन तो इस केस में क्या है सी में है एट एट जीरो नहीं है नहीं है मींस जीरो फ्लैग ऑफ होगा यानी कि जीरो फ्लैग में इस टाइम जीरो फ्लैग में इस टाइम है जीरो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कह रही है जे जेड एक्स यानी कि जंप इफ जीरो हम एक्स पे जंप करेंगे अगर जीरो फ्लैग ऑन है बट जीरो ऑफ है यानी कि हमें जंप नहीं करना क्वेश्चन में क्वेश्चन में भी इन्होंने मीनिंग दे रखा है इस इंस्ट्रक्शन का जंप टू इफ जीरो बट करंटली वी कैन सी जीरो फ्लैग इज नॉट सेट इट्स ऑफ यानी कि इस इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करें उससे कुछ नहीं होगा जंप नहीं होगा सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज सब सी कॉमा वन यानी कि सी से एक सब्ट्रैक्ट कर दो दिस वन नाउ बिकम सेवन देन वी हैव आर आर सी ए कॉमा वन आर आर सी का मीनिंग हमें दे रखा है रोटेट राइट थ्रू कैरी बाय बिट यानी कि ए में जो भी है से ए में इनिशियली था जीरो जीरो वन वन जीरो 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 वन में इनिशियली ये डाटा था एट बिट्स का यस yes. और कैरी फ्लैग इनिशियली था जीरो ओके, okay. तो हम क्या करेंगे रोटेट राइट थ्रू कैरी यानी कि राइट रोटेशन परफॉर्म होगी कैरी बिट को बीच में इंक्लूड करके अब अगर इसे मैं रोटेट राइट right करूं तो ये बिट यहां पे आ जाएगी और ये जो बिट है यह कैरी फ्लैग में चली जाएगी ऐसे जो कैरी फ्लैग में वैल्यू थी वो यहां पे आ जाएगी ठीक है अब हमने रोटेट राइट थ्रू कैरी कर दिया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जे सी वाई यानी कि जंप इफ कैरी टू वाई इसका मीनिंग मैंने यहां पे लिख रखा है जंप टू वाई इफ कैरी फ्लैग इज सेट अब आप देखो क्या कैरी फ्लैग सेट है ये रहा कैरी फ्लैग सेट यानी कि हम जम्प करेंगे कहा लाइन पे ये लाइन कह रही है बी को इंक्रीमेंट करो और जंप टू जेड यानी कि बी को इंक्रीमेंट करके जेड पे वापिस चले जाओ यहां पर सो लेट्स इंक्रीमेंट बी बाई वन इसकी वैल्यू थी जीरो हो गया वन एंड बाई एग्जीक्यूटिंग दिस लाइन वी कम बैक टू जेड फिर से यही एग्जीक्यूट होगा यानी कि ये दो लाइंस, इन दो लाइंस का मतलब क्या है सी में अगर जीरो है तो एक्स पे जंप करो अगर सी में जीरो नहीं है तो जंप मत करना यानी कि अब सी में क्या है सेवन जीरो तो नहीं है तो हम जंप नहीं करेंगे यानी कि अब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करते हैं सब सी कॉमा वन तो सी में से एक सब करें हमारे पास बचेगा सिक्स नेक्स्ट है आर आर सी ए फिर से रोटेशन परफॉर्म करो अब एक बार और रोटेट किया तो हमें मिलेगा वन जीरो 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 डबल वन डबल जीरो और ये बिट कैरी फ्लैग में चली जाएगी यानी कि यहां पे जीरो आ जाएगा नेक्स्ट आप देखो जंप एफ कैरी कैरी फ्लैग में वन नहीं है तो जंप भी नहीं करेंगे क्योंकि जंप एफ कैरी तभी जंप करवाएगा जब कैरी फ्लैग में वन होगा अब वन तो नहीं है यानी कि यह हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे Means, जब कैरी फ्लैग में जीरो है, तो हम बी को इंक्रीमेंट नहीं कर रहे जब कैरी फ्लैग में वन था हम बी को इंक्रीमेंट कर रहे हैं अब आपको कुछ कुछ पैटर्न समझ में आ गया होगा लेट्स परफॉर्म वन मोर आइट्रेशन तो हम यहां पे जंप नहीं करेंगे फिर हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे ये वाली ये कह रही है कि गो बैक टू जेड यानी कि जंप जेड तो हम यहां से फिर से शुरू करेंगे इन दो इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने से क्या होगा अगर सी में जीरो है तो हम एक्स पे जाएंगे यानी कि तो प्रोग्राम एंड करेंगे बट सी में जीरो नहीं है बिकॉज सी में तो अभी सिक्स है ओके okay, तो हम एक्स पे नहीं जाएंगे नेक्स्ट लाइन है सी को डिक्रीमेंट करो और रोटेट करो ये दो लाइन सी को डिक्रीमेंट करके फाइव करेंगे एंड वील रोटेट इट रोटेट करने से हमें मिलेगा वन ट्रिपल जीरो जीरो वन वन जीरो अब यहां पर यह बिट आ जाएगी ओके अब आप देखो इस बारी भी यहां पर जीरो नहीं है यानी कि इसे इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि हम बी को तभी इंक्रीमेंट कर रहे हैं जब कैरी फ्लैग में वन है अब कैरी फ्लैग में वन कितनी बारी होगा जितनी बारी इस नंबर ए में वन आ रहा है यानी कि रजिस्टर ए में जो भी वैल्यू है उसमें जितने वन हैं, यहां पे एक दो तीन तीन वन हैं, तो तीनों वन एक करके कैरी फ्लैग में आएंगे उसका मतलब हम इसे तीन बार इंक्रीमेंट करेंगे तीन बार इंक्रीमेंट करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी थ्री यानी कि बी में फाइनली वो वैल्यू है जितने वन ए में है यही आपका करेक्ट ऑप्शन है मैं ऑप्शन पढ़ता हूं ए पार्ट है द नंबर ऑफ जीरो बिट्स इन ए नॉट बी ऑप्शन है नंबर ऑफ वन बिट्स इन ए नॉट तो बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है ठीक है अब एक और चीज आप देखो ये जो सी है इसमें इनिशियली वैल्यू थी एट यानी कि हम इसे आठ बार रोटेट करेंगे तो दिस इज एक्टिंग एज अ लूप यानी कि लूप वेरिएबल जो आप लिखते हो ना फॉर आई इज इक्वल टू एट आई माइ आई इज ग्रेटर देन जीरो आई माइनस माइनस यानी कि लूप आठ बार चलाने के लिए यह वही वेरिएबल है ये आठ बार चलवाएगा और जब इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो यानी कि एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जब जीरो होगी तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे यहां पे देखो जब जीरो होगी तो ये जंप होगा यानी कि हम यहां पे आ जाएंगे लूप से बाहर ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है इसी का बी पार्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वेन इंसर्टेड एट लोकेशन एक्स विल इन्श्योर दैट द वैल्यू ऑफ रजिस्टर आफ्टर रजिस्टर ए आफ्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज सेम एज इट्स इनिशियल वैल्यू यानी कि एक्स में कौन सी इंस्ट्रक्शन हम लिखें यहाँ पर कौन सी लाइन ऐसी लिखें कि ए में जो पहले था उसे आठ बार रोटेट करने के बाद भी वही आए आपको लग सकता है कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं और ऐसा ऑप्शन भी अवेलेबल है वो ऑप्शन कह रहा है नो ऑपरेशन तो आपको लगेगा कि अगर हम नो ऑपरेशन करें तो वही वापस आ जाएगा बिकॉज ये आठ बिट का नंबर है आठ बार रोटेट करेंगे तो वही नंबर आएगा बट दैट्स रॉन्ग क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आप इसे एक थ्री बिट के एग्जाम्पल से समझ सकते हो से जीरो वन वन आपका नंबर था कैरी फ्लैग में था जीरो एक बार आपने इसे रोटेट किया आपको मिलेगा जीरो जीरो वन और कैरी फ्लैग में आ जाएगा वन दूसरी बार इसे रोटेट किया आपको मिलेगा वन जीरो जीरो कैरी फ्लैग में आ जाएगा वन एक और बार रोटेट किया यू गेट वन वन जीरो कैरी फ्लैग में आ जाएगा जीरो अब आप देखो तीन बिट के नंबर को अगर आप तीन बार रोटेट कर रहे हो तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम नहीं है ओके मतलब इसे एक और बार रोटेट करना पड़ेगा एक और बार रोटेट करोगे जब मैं इसे फोर्थ टाइम रोटेट कर रहा हूं हमें मिल रहा है ये बिट यहां पे आ जाएगी और ये दो बिट्स यहां पे आ जाएंगी जीरो वन वन और कैरी फ्लैग में होगा जीरो यानी कि एक बार एक्स्ट्रा रोटेट करने से हम इनिशियल वैल्यू पे वापस जा रहे हैं और ये बहुत लॉजिकल सी बात है कि तीन बिट का नंबर तीन बार ही रोटेट करने से इनिशियल वैल्यू फाइन और फाइनल वैल्यू सेम नहीं आ रही आपको लगेगा आनी चाहिए यार तीन बिट का नंबर है तीन बार रोटेट कर दिया बट ध्यान से देखो अगर हम कैरी को बीच में इंक्लूड कर लें तो ये नंबर चार बिट का नहीं बन रहा यानी कि इनिशियली हमारे पास था जीरो वन वन जीरो इसे हमने चार बार रोटेट किया तो हमें ये वाला मिल जाएगा यानी कि जीरो वन वन जीरो आप इसे चार बार रोटेट करके देख सकते हो इस वैल्यू को तो चार बार रोटेट करने से ही हमें ये मिलेगा दैट मीन्स यहां पे जो लाइन होनी चाहिए वो यही वाली लाइन होनी चाहिए आर आर सी ए कॉमा वन क्यों क्योंकि आठ बार तो हमारा प्रोग्राम ही रोटेट करवा रहा है एक और बार रोटेट कर दें तो इनिशियल वैल्यू वापस मिल जाएगी क्योंकि इस केस में हमारा जो नंबर है वो है नाइन बिट्स का तो नाइन रोटेशंस करनी पड़ेंगी आठ हो चुकी हैं एक और करवा दो सो आपका आंसर बनेगा ए पार्ट आपको गिवन है आर ए कॉमा वन यानी कि ये वाला सो दिस ए पार्ट इज आंसर नेक्स्ट बी पार्ट आपको गिवन है नो ऑप यानी कि नो ऑपरेशन नो no ऑपरेशन गलत है नो ऑपरेशन यहाँ पे नहीं आएगा बहुत लोगों को लग सकता है कि नो no ऑपरेशन इसका आंसर है सो टेक केयर ऑफ दैट एंड आई नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं बट इस कोड को अगर हम एक बारी सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लें तो हमें ये और भी अच्छे से समझ में आएगा तो मैं आपके लिए वही कर रहा हूं आई राइट द इक्वलेंट सी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज लाइक कोड हेयर पहली दो लाइन्स कह रही हैं int b इज इक्वल टू जीरो एंड int c इज इक्वल टू एट यानी कि c में सेव कर दो एट b में सेव कर दो जीरो आफ्टर दिस ये दो लाइन्स कह रही हैं देखो कंपेयर करो c को जीरो के साथ कंपेरिजन करने पे ऑब्वियसली जीरो फ्लैग में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगी मतलब जीरो फ्लैग यहां पे अल्टर हो सकता है तो अगर सी में जीरो था पहले ही जो डाटा सी में था वो जीरो था तो जीरो फ्लैग में वन ना जाएगा बिकॉज वो जीरो था यानी कि जीरो फ्लैग ऑन होगा अगर सी में कुछ नॉन जीरो सेव्ड था जो यहां पे लिखा हुआ है इफ सी कंटेन नॉन जीरो डाटा देन जीरो फ्लैग इज मेड जीरो नॉन जीरो था यानी कि जीरो नहीं था यानी कि जीरो फ्लैग ऑफ होना चाहिए तो जीरो फ्लैग इज मेड जीरो ओके अब नेक्स्ट लाइन है जे जी एक्स जम्प इफ जीरो एकस, अगर जीरो है तो हम यहां पे जाएंगे मीन्स काइंड ऑफ प्रोग्राम एंड हो जाएगा ये लाइन यहां पे क्वेश्चन में नहीं गिवन थी ओके तो इसका मतलब हुआ अब नेक्स्ट लाइन है JZX यानी कि जंप पे जीरो अगर जीरो फ्लैग सेट है तो हम एक्स पे जाएंगे जीरो फ्लैग कब सेट है जब सी में जीरो है यानी कि सी कंटेन्स जीरो तो इन दोनों लाइंस का मतलब हुआ अगर सी में जीरो है तो जंप करो यानी कि यहां पे हम अभी लिख देते हैं इफ सी कंटेन्स जीरो देन जंप टू एक्स ओके नेक्स्ट लाइन है सब्ट्रैक्ट सी कॉमा वन आर आर सी ए कॉमा वन तो इन्हें ऐसे ही लिख दो या ये बनेगा C इज इक्वल टू सी माइनस वन आर आर सी ए उसके बाद है जे सी वाई जे एम पी जेड यानी कि जे सी वाई का मतलब क्या हुआ जंप इफ कैरी यानी कि इफ कैरी फ्लैग इज सेट अगर कैरी फ्लैग सेट है तो जंप करो वाई पे यानी कि यहां पे यह कोड एग्जीक्यूट होगा वाई क्या कह रहा है ये वाई ये कोड कह रहा है कि बी में वन ऐड कर दो और वापस चले जाओ जेड पे इसी लाइन पे वापिस आ जाओ यही है ना जेड जेड क्या कह रहे हैं कंपेयर करो सी को जीरो के साथ अगर जीरो है तो जंप कर जाओ यानी कि ये वाली लाइन तो अब आप देखो यहां पर इस लाइन को अगर हम थोड़ा ढंग से लिख लें हमारा कोड कन्वर्ट हो जाएगा तो इस लाइन को आप दो लूप्स के साथ लिख सकते हो फॉर लूप भी वाइल लूप भी अगर आप इसी का इंग्लिश वर्जन देखो वो मैंने अभी जस्ट इसके पहले रिकॉर्ड किया है उसमें मैंने ये वाइल लूप से किया है यहां पे हम फॉर लूप से कर लेते हैं फॉर सी इज इक्वल टू एट रादर ये हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है ना ये यहां पे हो चुका है तो हम इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन को खाली भी छोड़ सकते हैं यहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं फॉर सी इज इक्वल टू एट सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सी माइनस माइनस ओके ये आ जाएगी बॉडी ऑफ लूप अब आप देखो C माइनस माइनस यहां पे भी हो रहा है और यहां पे भी हो रहा है तो हमें यहां पे करने की जरूरत नहीं है सो दिस बिकम्स द ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन कोड ओके अगर आप वाइल लूप से देखना चाहते हो तो इंग्लिश वाली वीडियो में है बट आई जस्ट राइट इट वाइल सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो सी माइनस माइनस यानी कि जब तक सी जीरो तक नहीं पहुंचता, एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाओ और इस पार्ट को रिपीट करते जाओ अब इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो वाइल सी यानी कि वाइल सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं वाइल सी भी चलेगा कैसे चलेगा आप सी लैंग्वेज की वीडियोज़ देख सकते हो वो वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर दी हैं कुछ